प्रखंड सिसई थाना परिसर में मंगलवार को थाना प्रभारी अनिल लिंडा के अध्यक्षता में बैठक किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से परिचय से शांति व्यवस्था से संबंधित समाज के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि व राजनीतिक पार्टियों के लोग उपस्थित थे। इस दौरान जीप अध्यक्ष बाड़ा ने कहा कि अगर अपराध का जड़ है शराब है, इसे बंद करने की अति आवश्यक है। यहाँ के लोगों को पुलिस को समझाना होगा, साथ ही क्षेत्र में अंधविश्वास का मामला जो आ रहा है, चूंकि वर्तमान में ग्राम लाकैया में अंधविश्वास को लेकर कभी भी खून खराब हो सकता है, पुलिस वहाँ पर भी बैठक कर जनता को जागरूक करे। लोगों के साथ पीस कमेटी का बैठक किया गया और इसमें बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति और व्यक्ति यहाँ इस बैठक में सम्मिलित हुए। उसके लिए मैं सबसे पहले उनको सिसई थाना परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस पीस कमेटी की बैठक में बहुत सारी बातें, समस्याएं जो आम पब्लिकों के द्वारा जो डेली बेसिस पे आ रही है, वो समस्या मेरे पास रखी गई है और उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं कल से एक्शन लेना शुरू करूंगा। और इस बैठक का मेन पर्पस एक शिष्टाचार भेंट भी था यहाँ के जनता से और जनप्रतिनिधियों से, शिष्टाचार भेंट करने के पर्पस से ही रखा गया था। और मेरी इस बैठक का मेन पर्पस ये भी था कि यहाँ के लोगों के साथ आपसी तालमेल बना के थाना स्तर पर बेहतर तरीके से काम करना और पब्लिक और पुलिस के बीच जो दूरियाँ बनी हुई है उससे कम करना, और इस तरह से हम लोग आगे भी बैठक करते रहेंगे ताकि आम पब्लिक से सिसई वासियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए और गलत कदम ना उठाए, और जब भी कोई घटना घटती है तो इसकी सूचना पुलिस को दे और पुलिस उसमें एक्शन लेगी। हम चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले जिससे कि सिचुएशन बिगड़ जाए। तो इसकी सूचना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसका भी दायित्व, कि आम पब्लिक होने के नाते उसका भी दायित्व बनता है कि वो किसी भी जगह के, और पुलिस कहे कि पुलिस तो हर जगह, अगर माहौल को वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखे और जो भी आम जनता के साथ में समस्या आएगी मेरे पास उसके मैं पूरी तरह से निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। क्योंकि जो भी पीड़िता या कंप्लेनेंट यहाँ पर थाना पे आएंगे तो उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ आज नया थाना प्रभारी आए अनिल लिंडा जी, और आज यहाँ के परिचय के प्रपोज से एक शांति समिति का बैठक किया गया और इस क्षेत्र के बारे में जो जेन्युइन जो समस्या है उस पर भी आदान प्रदान हुआ, अवगत कराया गया और शांति समिति का भी बैठक किया गया। चूँकि अभी शिवरात्रि तत्काल में है तो उसका भी लेके हम लोग बैठक किए, बातें चीते हुई, और निश्चित तौर पर इन्होंने कहा कि अभी सो निश्चित तौर पर जो शराब का जो बहुत ज़्यादा सिसई प्रखंड में जो चल रहा है उस पर रोकथाम करने की भी हम लोग सो बात किए और कल से ही इसका मुहिम भी छेड़ने की बात हुई है। तो मैं निश्चित तौर पर यहाँ के आम जनों से भी मैं अपील करूँगी कि लोग इसमें सहयोग करें, भागीदारी निभाएं, क्योंकि आज हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे समाज के लोग ही बर्बाद हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं थाना प्रभारी को पुनः इस सिसई थाना के लिए पुनः बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत, और यहाँ के लोग का बेहतर सेवा करें यही मैं उम्मीद करती हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।